सर, कई बार ऐसा होता है कि जिस आदमी को हम समझते हैं कि वो जल के मर गया है, वो कोई और होता है। सिर्फ एक आई कार्ड से हम कैसे मान सकते हैं कि ये हाँ सर, जब तक डॉक्टर सालू के डीएनए मैच करके ये नहीं बता देते कि ये लाश फेड़ी की, हम ये नहीं मान सकते सर। समझ में नहीं आते सालू के कहाँ रह गया, इतनी देर लगती है डीएनए का रिपोर्ट लाने। बस डीएनए रिपोर्ट मिल गई। जैसा मैं सोच रहा था, ये रिपोर्ट भी वैसा ही कुछ बता रही है। विवेक, विवेक सुनो, अब मैं आपको कैसे माफ करूंगा सर? क्यों बेकार है सर, अब गणेश मेरे सामने ही थे सर, और मैं उनको बचा नहीं पाया सर। विवेक तुम क्यों बोल रहे हो, ये वक्त रोने धोने का नहीं है। अरे यार, ये लाश जब फेड़ी की है ही नहीं तो रोने धोने से फायदा क्या, क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रहे हो? ये फेड़ी नहीं, ये फेड़ी नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी? पता नहीं किसकी है, लेकिन फेड़ी की नहीं। सर इसका मतलब वो लोग भी जिंदा है? तो किडनैपर ने डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सुनाली, काजल और फेड़ी सर को कहीं पे कैद करके रखा है। हाँ विवेक, लेकिन कहाँ पर, यही हमें ढूंढना है। सर अगर इस चली हुई लाश के बारे में पता चल जाए तो हमें सुराग मिल सकता है उनके बारे में। ये संकी? इसका चेहरा बना सकता? हाँ बना सकता, बस बस इसका चेहरा भले ही बुरी तरह से जल गया लेकिन इसके चेहरे की हड्डियाँ अभी भी सलामत है। बस तू इसका चेहरा ही बना दे, बना दे चेहरा। तो जोसेफ के घर में था, कहाँ आ गया मैं? डॉक्टर तारिका, तारिका, तारिका उठो, उठो तारिका। फेडरिसा, आप यहाँ कैसे आए? ये मत पूछो कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। ये है कौन जो ये सब कर रहा है? पता नहीं सर, पता नहीं। बस इतने दिन से इस तरह से बांध कर रखा सर। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे? उठाओ इन्हें। सोनाली, काजल सर, लगता है उन लोगों को ज्यादा नशा हो गया। नशा? कैसा नशा? हमको रोज यहाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रग्स के, दिन में दो बार मेटानाइल क्लोराइड ड्रग्स। क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा हमें, जल्दी कर। कोई आ रहा है। और ये नाक जो आपने बनाई है ये थोड़ी और लंबी थी यहाँ से। ओके। कान थोड़े और छोटे हैं। ओके। देख, जैसे किडनैपर लड़की की स्केच तैयार हो जाए, 50-60 कॉपीज बनाकर सारे कब्रिस में बांट दो। किसी भी हालत में हमें ये लड़की चाहिए दया। आशा, yes, किडनैपर ने भेजी हुई सीढ़ी फिर से दिखाओ, देखते हैं शायद हमारी नजर से कुछ छूट गया हो। एक बात तो ऐसा है, ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे है, हमारी हर प्लानिंग के बारे में से पहले से पता चल जाता है। पता नहीं सर इस बार कहां पे छुपा के रखा होगा इन्हें। वही तो। और एक बात है,
सारे एयरपोर्ट्स को भी कवर करके रखते हैं। मुझे तो लगता है ये किडनैपर देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। सर, ये देखिए, इस किडनैपर के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। तो हाथ पे जूम करो। HD। सर, काजल लिख के गई थी अपने घर में किडनैप होने से पहले HD। हाँ भैया, HD। ये किडनैपर के नाम के इनिशियल्स तो नहीं है? सर, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं। HD इनिशियल से शायद किसी अपराधी का नाम शुरू होता हो। हाँ, देखो तो सर, जल्दी। उस लड़की का स्केच बन गया है। बन गया? यही वो लड़की है सर जिसने फ्रेडी सर को किडनैप किया था। अच्छा, तो ये है वो। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और खास तौर से आप दो डॉक्टर्स को। अब तक तो आप दोनों को आदत पड़ ही चुकी होगी इस ड्रग्स की। ए, कौन हो तुम लोग? बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। आवाज कम ही रखना, यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं। पछताओगी। CID से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अब जब पंगा ले ही लिया है तो क्या महंगा क्या सस्ता। फिलहाल तो आप लोगों को भूख लगी हो तो तैयार हो जाओ डोज लेने के लिए। फिर से भाई ड्रग? नहीं। रिलैक्स, मैं नहीं दूंगी इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर तारिका देगी अपने कोमल कोमल हाथों से फेडरी को इंजेक्शन। नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। लगाओ। इस नार का क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? फेडरी की लाश। लगाओ। मेरी सर, प्लीज मुझे माफ कर देना सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया सर। रियली सॉरी सर, प्लीज। लेकिन सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस किडनैपर को ढूंढ के ही निकालूंगा सर। चुप नहीं बैठूंगा सर, चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, और कैसे, एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए ना तो ये क्या MGL ऐसा निशान तो लॉन्ड्री में लगाया जाता है। सब ये कपड़े लॉन्ड्री में धुले हैं। ये पता चल जाएगा ये MGL है का। MGL 1 MGL लॉन्ड्री, अहिंसा रोड, मलाड वेस्ट। ये लॉन्ड्री वाला है मुझे पहुंचाएगा उस लड़की के किडनैपर तक। रेडी सर, मैं आ रहा हूं सर, आप सबको छुड़ाने। तारिका सर, एक पेट्रोल डिस्ट। इस समय तारिका और सोनाली का ही दिमाग में ख्याल रहता है। अगर अभी वो लैब में कहा है, भगवान करे वो जहां भी हो सलामत हो।
हाँ फोन के क्या पता चला? अरे बॉस ये तो सारा केस ही उल्टा पुल्टा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं नहीं गड़बड़ कुछ नहीं। फिर? दरअसल मुझे इसके फेफड़ों में एक किस्म का पाउडर मिला है लाल रंग का। कौन सा पाउडर? लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर? सड़के इसके फेफड़ों में लाल मिर्च का पाउडर जाएगा ही कैसे? ये पाउडर खाने के साथ नहीं गया इसके? तो फिर सांस लेते वक्त हवा के साथ गया सीधा फेफड़ों में। मतलब सर ये आदमी किसी ऐसे जगह पे रहता होगा या फिर काम करता होगा जहाँ पे मिर्च के पीसने का काम होता है। बिल्कुल ठीक पहचाना था। और बॉस मैंने इस आदमी की खोपड़ी पर चेहरा भी रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। आइए दिखाता हूँ। लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की। कहने लगा कि दोबारा फोन करेगा लेकिन ना ही उसका कॉल आया और ना ही अब उसका फोन लग रहा है। बहुत दुखी है सर। उसे इस बात का गम है कि के फ्रेडी को बचा नहीं सका। हर दुख किसको नहीं है दया? हमारे ऑफिसर्स गायब हो गए इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुख ही करते बैठे। अरे हमें उनको ढूंढना चाहिए और हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे। तो फोटो देखिए, जानते हैं ये आदमी? साहब आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों साहब ये बहुत गड़बड़ आदमी है। साहब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन आप लोग मेरे मालिक से पूछ लीजिए। क्या मालिक? साहब अंदर है। ये ऐसे लिखने वाले आदमी को जानते हैं आप? देखा है यहाँ पे कहीं? ये फोटो लेके आप कहाँ घूम रहे हैं? जानते हैं इसे आप? कौन है ये? पहले ये बताइए आप लोग कौन है और इसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हम लोग CID से हैं। किसी ने इस आदमी को जला के मार दिया। जला कर मार दिया? किसने? ये तो नहीं पता लेकिन ये है कौन? ये अभी भी जेल काट कर आया है। इसका नाम सुरेश है। जेल काट के आया था? पर जेल से आने के बाद बहुत सुधर गया था ये। कौन सी जेल में थे? सुपीवाड़ा जेल में। रहता कहाँ पे ये? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? बिना पूछे तुमने काम दे दिया उसे? हेलो मिस्टर सुजीत। हेलो। आई आई ऑफिसर्स आई आई बैठिए बैठिए। नहीं थैंक यू वेरी मच। भाई आपके फोन आते ही मैंने फाइल निकाल ली थी और सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया फाइल के ऊपर। ये लीजिए ये सुरेश है। इसी की लाश मिली है ना आप लोगों को? जी हाँ इसी की लाश मिली थी। जब लाश मिली थी तो लाश जली हुई थी। जब हमने इसके ऊपर चेहरा बनाया तो सुरेश का चेहरा बना। मिस्टर सुजीत हमें शक है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स को गायब करने में इसी का हाथ है। सुरेश का इसका मतलब जेल से रिहा होने के बाद सुरेश एक बार फिर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। अच्छा तो लगा था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग बदल जाएंगे। ये लोग? और भी लोग थे क्या इसके साथ में? हाँ सुरेश के साथ 5 कैदी और थे। 5 कैदी? जिस दिन सुरेश को छोड़ा गया उसी दिन उन लोगों की भी रिहाई हुई। उनकी सजा भी पूरी हो गई थी? नहीं। तो फिर उन्हें छोड़ कैसे दिया गया? एक्चुअली एक NGO है अत्याचार बंद करो उन लोगों ने छुड़वाया था। उनके वकील का कहना था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग पूरी तरह से बदल जाएंगे सुधर जाएंगे। है कौन ये आदमी जो बिना बाप के 6 अपराधियों को छुड़वाएगा? कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके पीछे। क्या मकसद सकता है सर? ये तो वो लॉयर ही बताएगा। जिले साहब हमें उस लॉयर का एड्रेस दीजिए और ये जो बाकी 5 कैदी छूटे हैं इनके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए हमें। ठीक है सर। पहले इन लोगों से मिल लेते हैं। क्यों नहीं? हाँ सर आपको कपड़े लेने हैं या देने हैं? ना ही लेने हैं और ना ही देने हैं। तुमसे कुछ पूछना है सर।
मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है आप बाजू वाली दुकान पर जाइए और वो आपको आराम से डिटेल में बता देंगे। प्लीज यही तो चक्कर है, मुझे जो पूछना है वो बाजू वाला नहीं बता। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ। क्यों? क्योंकि इन कपड़ों पे तुम्हारी लॉन्ड्री का निशान है और ये कपड़े किसी अपराधी के। क्या? अपराधी के? हाँ। आप कौन है साहब? मैं CID से हूँ। हाँ जल्दी से बताओ ये किसका है। अरे साहब ये सलवार सूट आप लोगों के पास है? हाँ क्यों, क्या हुआ, किसका है ये? अरे साहब क्या बताऊं साहब, ये जिस कस्टमर ने ये सलवार सूट दिए थे ना साहब, उसने तो मेरे नाक में दम कर दिया साहब। अरे साहब इतनी गालियां सुनाई उसने, इतनी गालियां सुनाई। एक मिनट, गालियां क्यों सुनाई थी? साहब ये कपड़े उसने हमें पिलाने के लिए दिए थे और हमने इसको मोहर धोबी घाट भेजा और वहां से गायब हो गए। क्यों, कैसे? साहब ये तो वहां का धोबी बता सकता है। ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ, दिखाओ ये मोहक धोबी घाट है कहां। वो लोग आ रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें मार देंगे। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। फ्रेडी साहब, फ्रेडी साहब, सब यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता सोचो सर। कोई रास्ता नहीं है, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वो लोग हमें मार डालेंगे। क्यों बात कर रहे हैं? ये फ्रेडी सर ने उनके अंदर की ड्रग्स बोल रही है। ड्रग्स? कहाँ ड्रग्स? मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। करने का कोई रास्ता ढूंढो। रास्ता मिल गया डॉक्टर सोनाली। क्या? वो देखिए वो कटर, इस कटर से हम ये चेन काट सकते हैं। कर पाओगे? कोशिश करते हैं। ध्यान से आराम से करो। काजल, काजल संभाल के। ध्यान से, ध्यान से। ये देखो दया, नया चक्कर। सुपीवाड़ा जेल में से जो लोग छोड़े गए हैं उनमें से इस आदमी को देखो। सर ये तो वही आदमी ना जो सोनाली के घर के बाहर शूटआउट में मारा गया था। हाँ दया ये वही आदमी है, करण नाम है इसका, करण। ये भी क्रिमिनल था इस सुरेश के जैसा। और सर इसे भी जेल से उसी दिन छोड़ा गया था जिस दिन सुरेश छूटा था। सर इसका मतलब है कि सारे के सारे अपराधी जेल से सिर्फ इसलिए छुड़वाए गए थे ताकि वो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर सके। काम करो गया सर, सुरेश करण वीर केतन सबके घर वालों को याद बुलाओ। ब्यूरो आप लोगों को और जो कुछ भी मालूम है इन लोगों के बारे में प्लीज बता दीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है।
हद है। सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वो चारों जेल से छूटे, चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह पे। चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह? हाँ सर, और एक एक करके सारे मर गए, करण और सुरेश की तरह। और वो सारे के सारे वहीं पे मर गए जहाँ जहाँ से सीआईडी ऑफिसर और फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया गया है। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, वो सारे के सारे मिले हुए थे वो किडनैपर्स के साथ। सर ये उसके तक गवाही है। कैसे हुई केतन की मौत? पता नहीं सर, कोई बता रहा था कि वो एक्सीडेंट में मर गए। एक एक करके सारे के सारे मर गए सर। तो यही होगा ना, अगर गलत काम किया तो क्या? दे सर, जाने दो इन सबको। चलिए आप लोग जा सकते हैं। चलिए प्लीज। सर इस HD और उस भेज बदलने वाली लड़की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। कहता है वो है कौन जिसने इन लोगों से ये काम करवाया? है कौन इसके पीछे? एक काम करते थे, उनके वकील से मिलते हैं, उसे जिसने इन्हें छुड़वाया है जेल से। क्या नाम है उसका, उस वकील का? सर मोहित। मोहित वो देखो वहां पे दरवाजा दिख रहा है, शायद वहां से निकल सकते हैं। नहीं, अगर वो लोग आसपास हुए तो नहीं, अगर वो लोग यहाँ होते तो जरूर नजर आते। चलो एक मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाके देखता हूँ। ड्रग्स का असर है, इससे पहले कि हम सब यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। चलो चलो निकलते यहां से। से बच के भागना नामुमकिन है। एक बार कोई हमारे जाल में फंस गया वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। हम अपने शिकार को ऐसे ही नहीं जाने देते, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम हो कौन? और चाहते क्या हो? नहीं नहीं डॉक्टर तारिका, नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले सारे CID वाले इकट्ठा तो हो जाए, वैसे मेरे आदमी लगे हुए, जल्द ही सब लोग एक जगह होंगे और उसके बाद
और उसके बाद क्या होगा उसका ट्रेलर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सीधे से खड़ी रहे, जितना बोला उतना कर। ठीक है, हाँ। क्या 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 चाहते हैं आप लोग? सोनाली, ये लोग कुछ भी बोले हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें इनकी बातों में नहीं आना है। बहुत बोलते हैं तू, कहीं ठोक दूंगा। अरे प्रेजर को कुछ मत करो, प्लीज प्रेजर को कुछ मत करो। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन इनसे कहो कि जैसा हम बोलते जाए वैसा करें। ठीक है, बताओ क्या करना है। गुड, तो खेल शुरू किया जाए। ये हुई ना बात, अब सुनो। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है और इस पर किसका नाम लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। तुम में से एक एक इस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा और जो भी किस्मत वाला होगा वही बच जाएगा। ये कैसा? अरे सीधे सीधे मार क्यों नहीं देते? हाँ या ना में जवाब दो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो। चलाओ गोली सोनाली पर, चलाओ। नहीं, चलाओ काजल, काजल नहीं। नहीं, नहीं। किस्मत वाली है, बच गई। डॉक्टर सोनाली, अब तुम काजल पे गोली चलाओगी। बहुत हो गया, चलाओ चलाओ गोली। सोनाली मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। सोनाली मैम, प्लीज गोली मत चलाइए। चलाओ गोली। प्लीज गोली मत चलाइए। सोनाली मैम का घर है, ऐसे खुला हुआ है। अरे भाई घर में कोई है? हेलो, कोई है घर में? मिस्टर मोहित कमाल सर, ना नौकर चाकर है ना ही कोई परिवार का कोई सदस्य, घर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं। कमरे में देखते हैं। चलो सर, तो लगता है कुर्सी पे बैठा बैठा सो गया। मिस्टर मोहित, ये हमारे यहां पहुंचने से पहले किसी ने मार दिया।
लगता है कोई यहां पे बैठा था। इन दोनों के बीच में बात चल रही थी। ये क्या है? ड्रग्स की बत्ती। तो ड्रग्स की पत्ती है, ये मैरिजुआना है। लेकिन यहाँ कैसे पहुंचे? लगता है खूनी ने जब ये चाकू मार रहा होगा उसके पास से गिर गई होगी। काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब में भेजो और अपने जितने भी खबरें हैं उन सबसे पता करो कि कौन कौन लोग हैं जो इन नशे की पत्तियां बेचते हैं। उन्हीं से पता चलेगा इन लोगों के बारे में। ये ना वो कपड़े किसने यहाँ से गायब किए थे? मैंने। हाँ तूने। देख सत्ता सुरता सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? हाँ बता किसको बेचे तूने? मैंने बेचे नहीं थे साहब। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि कपड़े बेचे किसको थे? मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने ये कपड़े किसी को बेचे नहीं थे। एक आदमी और एक औरत जबरदस्ती ये कपड़े लेकर गए थे साहब। औरत और आदमी भी? हाँ साहब। कब हुआ था? 2 दिन पहले की बात है साहब। रात को मैं काम कर रहा था तो एक आदमी और एक औरत यहाँ घुस आए और कपड़े ढूंढने लगे और ये सूट और सलवार लेकर चले गए। तुमने उनको रोका नहीं? मैंने रोका था साहब, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी और कहा कि अगर मैंने आवाज़ निकाली तो वो मुझे गोली मार देंगे। वो औरत कौन थी तुम जानते हो? मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा साहब। इस स्केच को ध्यान से देखो, यही थी वो औरत? हाँ साहब यही वो औरत थी। और कुछ याद है उन दोनों के बारे में? और तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। याद करो। हाँ साहब याद है साहब, उसके जूतों पर कोल्टार लगा हुआ था और हाथों पर ग्रीस। कोल्टार और ग्रीस? हाँ साहब, उसने कितने कस्टमर के कपड़े खराब कर दिए अपने जूतों से और कितने ही कपड़ों में अपने हाथ पोंछ डाले साहब। कोल्टार और मतलब ये आसपास कोई सड़क है, शायद ये दोनों वहीं पे मिल जाएंगे। चलो ये आसपास कहीं रोड बनने का काम चल रहा है क्या? सामने ही चल रहा है। थैंक यू। सुनो जी सर, आप जा सकते हैं, फिर से जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पर वो किडनैपर्स छुपे हैं। अंदर जाके देखता हूँ।
पूरा पैसे लेके आना समझा, वरना तुम आई ऐसा माल देता नहीं कोई पूरे इलाके में समझा क्या। तो कल देखता मेरा भाई माल मिलेगा हा? माल मिलेगा। अबे रोक देख, जानता है ये क्या है? हाँ साहब, ये गांजे का पत्ते साहब, नशे में काम आता है। अब ये भी बता दें किस किस को बेचा था? नहीं मैंने नहीं बेचा साहब, मैंने नहीं बेचा पत्त, ये क्वालिटी का माल तो खाली गुनीत भाई के पास रहता। कहाँ मिलेगा ये तुम्हारा गुनीत भाई? तेरे धंधे का आदमी है तुझे नहीं मालूम? तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बोल क्या मिलेगा? बदल दो सर, मेरे पास उसका फोन नंबर, फोन करूं सर? लगाओ जल्दी। हेलो गुनीत भाई, गुनीत भाई आपने पाली पे जो माल दिया था वो बिल्कुल भंका था गुनीत भाई, वो कस्टमर मेरे ऊपर खड़ा होके भड़क रहा है। हाँ जल्दी आओ भाई, आप बाजू में ही हो ना? हाँ भाई। देख हम लोग यहाँ छुप कर बैठ रहे हैं, उसे कुछ मत बताना तुम्हारे गुनीत भाई को, और भागने की कोशिश भी मत करना समझे। दिन हो गए धंधा करते हुए, मुझे कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है, तो फिर ये माल कैसे खराब निकल गया? कस्टमर कहाँ है? ये कस्टमर सीआईडी। ज़्यादा चिपड़ा लगी साला, समझा? ये पति देख, किसने किसको भेज दिया? हाँ दो दिन पहले मेरे पास उसका ऑर्डर आया। किसने दिया था ऑर्डर बोल? मैंने उसे देखा नहीं, मगर वो जगह जानता हूँ जहाँ मैं पत्ती पहुँचा के आया था। जगह देखी है ना? चल दिखा। पैसा पैसा पैसा, तो मैं आ गया उसे। कौन? डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर मैं विवेक, डॉक्टर उठिए प्लीज, गेट अप डॉक्टर। क्यों कर रही हो ये सब तुम? बाहर निकलो! क्या किया है? क्या किया हमने? तारिका, डॉक्टर तारिका, तारिका, उठो तारिका, वेक अप, तारिका! ओ, बाहर आ जाओ तुम, आके मुझसे मिलो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? काजल, काजल, काजल उठो, काजल! देखो, अब तो बाहर आ जाओ, प्लीज, बाहर आ जाओ! क्यों कर रही हो तुम ये सब? करियो ये सब तो। अरे सर, सर आप जिंदा? सर सर मैं आ गया हूँ सर, आपको कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। रवि सर, रवि सर,
मैं आपका विवेक सर। सर मैं आपका विवेक। सर ये बंदूक आप, ये आप क्या कर रहे हैं सर? रिश्ते नाते सब खत्म विवेक। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम अगर जिंदा रहोगे तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग सर? इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। जी सर, घर नीचे कीजिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं आपका विवेक हूँ सर, घर नीचे कीजिए सर प्लीज। ये क्या हा? एक सीआईडी ऑफिसर की तो होश ही उड़ गए मौत के नाम से। ना ना ना, इसमें फ्रेडी का कोई दोष नहीं है। इसे मैंने ही कहा था तुम्हें मारने के लिए। कौन हो तुम? बाहर निकलो, कौन हो? परेशान हो गया हूं मैं यही सवाल सुनते सुनते। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जानना चाहता है कौन हूं मैं? मौत हूं मैं, मौत। तुम सबकी मौत। की ताकत को चलता नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। सामने निकाल बाहर। चुप फ्रेडी। अगर एसीपी दया और अभिजीत को तुम जिंदा देखना चाहते हो तो मारो गोली, मारो। सर, नहीं सर। मारो। सर इसकी बातों में मत आना सर प्लीज। मैं कहता हूँ गोली मारो। आई से शूट। गोली मारो। कहाँ पर? हाँ सर, यही जगह है वो जहाँ पे मैं ड्रग्स की पत्ती छोड़ के गया था। यहाँ पर? हाँ सर। किसी के हाथ में दिया था या यहाँ पर छोड़ कर गए थे? हाँ साहब, एक आदमी मिला था साहब, वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी कमर पे गन लटकी हुई थी साहब। गन लटकी हुई थी? कोई गुंडा मवाली होगा सर, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर किसी और का अड्डा तो नहीं हो सकता। तो शायद हमारे लोगों को यहीं रखा होगा पकड़ के। मुझे माफ कर देना विवेक। एसीपी साहब से कहना मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे। अभिजीत आ गया। क्या भेजा बोलो? हाँ अभिजीत, लगता है हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा है और वो किडनैपर भी यहीं पर कहीं चुप कर बैठे हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ सर, या तो सन्नाटा। कपड़े ये तो विवेक के पास में थे। क्या इन लोगों ने विवेक को भी तो नहीं? हो सकता है अभिजीत, हो सकता है, मगर संभल के, संभल के। सर, सर, यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पे कोई भी नहीं, लगता वो लोग भाग गए। सर ये जूते तो डॉक्टर सोनाली के। सोनाली के जूते? इसका मतलब एक ही है, हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा होगा। से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भला इसी में कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देख, जिंदा रहना है तो चुपचाप बाहर आ और हमारे ऑफिसर्स को भी बाहर भेज। कोई फायदा नहीं, ये ऐसे बाहर आने वाला नहीं है।
फिर अगर ये बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर जाता हूँ। सामान की खतरा हो सकता है। हाँ भैया, कोई बात नहीं सर, अगर मैं अंदर नहीं गया तो हमारे लोगों की जानी जा सकती है। दया! अभिजीत, ये दया बाहर क्यों नहीं आ रहा? मामला गड़बड़ है सर। सर, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम जाते हो? सर, ठीक है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.